हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किन लोगों को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम की रिक्वायरमेंट, यानी अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, दो डिफरेंस होते हैं। अगर ग्रॉस टोटल इनकम कहा जा रहा है, इसका मतलब बिफोर क्लेमिंग एनी डिडक्शंस। ओके, यानी जो ATC ATD के जो डिडक्शंस होते हैं, जो आप LIC में प्रीमियम पे करते हैं उसका डिडक्शन मिलता है आपको ATC में, मेडिकल प्रीमियम अगर आप देते हैं ATD में डिडक्शन मिलता है उसका, तो ऐसे कई सारे AT सीरीज़ में डिडक्शंस हैं। उसके पहले की जो इनकम है उसको कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, जैसे ही डिडक्शन लेस करते हैं तो आता है नेट टैक्सेबल टोटल इनकम। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम की बात हो रही है। अगर ग्रॉस टोटल इनकम आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, देन आपको मैंडेटरीली ITR फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है आपकी एज पे। तो अगर आपकी एज 60 ईयर्स से कम है, देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है आपके लिए 2.5 लाख। अगर उससे ज़्यादा आप अर्न कर रहे हैं, देन आपको मैंडेटरीली ITR फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप इंडिविजुअल हैं एंड आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है बट 80 ईयर्स से कम है, देन उस केस में 3 लाख हो जाएगी आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और अगर आपकी एज 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, देन 5 लाख हो जाएगी आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यानी इससे ज़्यादा अगर आपने अर्न किया है, देन मैंडेटरीली आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ग्रॉस टोटल इनकम है, इसमें आपको एक और चीज़ कंसिडर नहीं करनी है। जो आप कैपिटल गेन में कई सारे एग्जेम्पशंस दे रखे हैं, यानी जैसे ही आप हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जो भी कैपिटल गेन अराइज होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है अगर अपन ने कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर दी है। ऐसे कई सारे एग्जेम्पशंस की लिस्ट है सेक्शन 54 में। ओके, तो सेक्शन 54 में जो भी एग्जेम्पशंस दे रखे हैं उसको भी आपको कंसिडर नहीं करना है, राइट? तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला, कोई भी डिडक्शंस आपको लेस नहीं करना है, और जो 54 सीरीज़ का एग्जेम्पशन है उसको भी कंसिडर नहीं करना है। और उसके बाद आपकी अगर जो ग्रॉस टोटल इनकम है, यानी टोटल जो आपकी इनकम है वो एक्सीड कर रही है बेसिक एग्जेम्पशन से, तो आपको मैंडेटरीली ITR फाइल करना है। तो ये था पहला पॉइंट, अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है इनकम तो मैंडेटरीली आपको ITR फाइल करना पड़ता है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना है, देन ऑल्सो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा, तभी आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई नोटिस नहीं दे सकते कि मेरे को इनकम टैक्स रिफंड चाहिए बिकॉज मेरा TDS डिडक्ट हुआ था। बिकॉज रिफंड की बात कब आएगी, जब आपका TDS डिडक्ट हुआ होगा और आप पे कोई भी टैक्स बन नहीं रहा है बट TDS डिडक्ट हो चुका है, तो इसीलिए आपको रिफंड दिया जाता है। बट वो क्लेम आप तभी कर सकते हैं जब आप ITR फाइल करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज, अगर आपने फॉरेन एसेट में इन्वेस्ट कर रखा है या फॉरेन इनकम है आपकी कोई, देन ऑल्सो आपको मैंडेटरीली ITR फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देन ऑल्सो क्रेडिट रिस्क चेक करने के लिए, आपकी इनकम प्रूफ के लिए आपका ITR मांगते हैं, तो वो भी आपको उस केस में भी ITR फाइल करना पड़ेगा, राइट? एंड नेक्स्ट इज, इफ़ टैक्स पेयर कंपनी या फर्म है, तो उस केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो होती नहीं कंपनी की। कंपनी और फर्म दोनों की ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती। इवन इफ आप लॉस में हैं, आपकी कंपनी लॉस में है, देन ऑल्सो कंपनी ITR फाइल करती है। फर्म भी अगर लॉस में है, देन ऑल्सो उसको फाइल करना पड़ता है मैंडेटरीली। और अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आपका बिजनेस लॉस या जो भी कैपिटल गेन का लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी जो ड्यू डेट होती है टैक्स रिटर्न फाइल करने की, उसके उस मतलब ड्यू डेट पे या उससे पहले आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने ITR फाइल नहीं किया, देन उस केस में आप वो जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ओके, यानी बिलेटेड रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे आप लॉस। तो उस केस में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है कि आपको ऑन और बिफोर ITR फाइल करना पड़ेगा अगर आपका लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना है आपको। और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इवन इफ आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है जो ग्रॉस टोटल इनकम, देन ऑल्सो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर आपने डिपॉजिट किया है मोर देन 1 करोड़ इन करंट बैंक अकाउंट्स। ओके, एक या एक से ज़्यादा करंट बैंक अकाउंट जो होते हैं उसमें आपने टोटल डिपॉजिट जो कर दिया है वो कितना है, 1 करोड़ से ज़्यादा, तो भी आपको ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट है मैंडेटरीली। या फिर आपने सेविंग बैंक अकाउंट जो है आपके, उसमें 50 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट किया है,
देन ऑल्सो आपको क्या करना पड़ेगा, ITR फाइल करना पड़ेगा, यानी टोटल डिपॉजिट का चेक कर लेंगे। एंड अगर टोटल एक्सीड हो रहा है 50 लाख से इन वन और मोर करंट अकाउंट, सॉरी सेविंग अकाउंट, देन आपको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरीली ITR फाइल करना पड़ेगा। या आपने स्पेंड किया है मोर देन 2 लाख ऑन फॉरन ट्रैवल, यानी फॉरन ट्रैवल के लिए आपने 2 लाख से ज़्यादा आपने पैसे खर्च किए हैं, देन ऑल्सो आपको मैंडेटरीली ITR फाइल करना है। या आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर है वो 1 लाख से ज़्यादा है, देन ऑल्सो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं TDS TCS से रिलेटेड, यानी TDS एंड TCS ये मिला के आपका 25,000 या उससे ज़्यादा डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है, देन आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। बिकॉज TDS इतना डिडक्ट हुआ है, इसका मतलब क्या है, हो सकता है आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा ही आ रही हो, राइट। और अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो ये 25,000 की जो लिमिट है वो एक्सीड हो जाएगी कितने से, मतलब 50,000 हो जाएगी इन केस यू आर अ सीनियर सिटीज़न। और अगर आपका बिजनेस टर्नओवर मोर देन 60 लाख है, देन ऑल्सो इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप लॉस में हैं या फिर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से कम है, बट आपका अगर बिजनेस टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा हो रहा है, देन आपको ITR फाइल करना है। या फिर आपकी जो प्रोफेशनल इनकम है, बिजनेस इनकम क्या होती है, जिसमें टर्नओवर वगैरह होता है जो, या मैन्युफैक्चरिंग का या ट्रेडिंग का, राइट। बट प्रोफेशनल इनकम क्या होती है, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, CAs होते हैं, वो जो भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं उसमें जो भी उनको इनकम होती है उसको कहा जाता है प्रोफेशनल इनकम। तो वो अगर 10 लाख से ज़्यादा हो रही है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, देन ऑल्सो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा, भले ही आपका उस ईयर में प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, आपका और खर्चे हो रहे होंगे या फिर कुछ और आपका एक्सपेंसेस हो रहे हैं एंड आपका प्रॉफिट भले ही नहीं हो रहा है, फिर भी अगर आपका प्रोफेशनल इनकम यानी जो ग्रॉस रिसीट है वो अगर 10 लाख से ज़्यादा है, देन ITR फाइल करना पड़ेगा। ओके, तो ये था टोटल कि कब कब आपको ITR फाइल करना पड़ेगा मैंडेटरीली। ओके।